रही है। श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखा ने अपनी जिंदगी विच साध संगत जी इत्थे थोड़ा समा बंदगी की है तख्त साहब अस्थान ते रह करके, ते जदों इत्थे ओ बंदगी करके भजन करके पंजाब नू परते सी उदों विद्यार्थी रूप विच सीगे महापुरख। ते संत ज्ञानी प्रताप सिंह जी लंघे आने वाले एक महापुरख होए, बजुर्ग वड्डिया महापुरखां दे ओ विद्यार्थी सीगे। ते उन्हां ने दास नू इह बचन सुनाया, हुण तां उह वी सचखंड चाला मार गए कई सालां तों। ते उह कहिंदे जदों महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी हजूर साहब तो होके आए ते मैं पूछिया, भजंगी है भाई जरनैल सिंह तू उत्थे बंदगी करके आया कोई कोई कमाई की गल दस कोई? तो वह कहन लगे अगों के नहीं, तुसी वड्डे हो महापुरखां की संगत की है, सानू कोई तुसी जरूर कोई सिख्या दिओ नाम दे जपण की। कहा नहीं भजंगी तू बड़ी उत्थे भजन की कमाई की है, कोई जरूर दस कोई कोई भाणा कोई घटना वापरी होवे। ते वो कहिंदे फिर साढ़े ग्रसण तो ना उदों तां भजंगी कहिंदे क्योंकि महापुरखां की उम्र छोटी सी ना, ते कहिंदे वी भजंगी जरनैल सिंह ने सानू ये बचन सुनाया। ते कहिंदे कि असीं दुपहर दे समय नगीना घाट साहब ना नमस्कार करन गए, नगीना घाट साहब गुदारी दे कंडे ते तुसीं दर्शन कीते गुरद्वारा साहब दे। कहिंदे जदों महापुरख अपनी वो घटना दसी, कहिंदे के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो मत्था टेकिया तो मन च फुरना आया कि महाराज नाम जपिया रिधियां सिद्धियां आ जांदियां पर असी कदे वेखिया ही नहीं। कहिंदे उस वक्त ना बहुत सुंदर स्वरूप विच तीन बीबियां जिहड़ियां सी उह असी बैठे सी जिस पासे पिछे आके बैठ गईयां। फिर सोचिया भी मैं कि बीबियां वाले पासे तो नहीं बैठा ता कि बीबियां इधर बैठिया। कहिंदे मैं उठ के दूसरे पासे बैठ गया, वो फिर उठिया तो मेरे पिछे आके बैठ गईयां। मैं कहा तो काम खराब बीबियां पिछा कर दईयां। फिर कहिंदे मैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं चौर करन लग पिया ते वो फिर पिछे आके खलो गईयां। फिर कहिंदे मन च घबराहट होई ते चौर साहब रख के ना अरदास कीती कि महाराज ये कौन ने मेरे पिछा क्यों कर दईयां। कहिंदे फिर उस समय महाराज जी ने सानू अंदर भाख्या आवाज दिती भी तू आपे कहना सा वेखिया नहीं, कदे वेख लै हुण ये रिधियां सिधियां ही हैं। फिर बेनती की महाराज सानू नहीं चाहीदियां, सानू तो आपका नाम ही चाहीदा है। ये बचन महापुरखां ने प्यार विच सुनाया सी संत ज्ञानी प्रताप सिंह जी लंघे आने वाले महापुरखां ने, ते दास उधर कथा करन गया सी ते उदों महापुरखां ने दास नू ये बचन सुनाया सी। महाराज जी कहिंदे आ भी रिधियां सिद्धियां ना चरणा ते आके डिग पैंदियां, चरणा ते झुक